हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल वाटर हीटर। क्योंकि ठंडी का दिन अब आने वाले हैं, एक दो महीने बाद हमें बहुत ठंडी के दिन आ जाएंगे जिसमें गर्म पानी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ वाटर हीटर, सिंपल सा वाटर हीटर। तो इसके लिए क्या क्या लिया है मैंने, देख लीजिए आप। ये PVC पाइप है, ये इसका कैप है, ठीक है। ये देखो, ये PVC पाइप, ये इसका कैप इधर से लग जाएगा। एल्युमिनियम का हीट सिंक, ये दो पेल्टियर अमेजोन में इजीली मिल जाएगा आपको, और ये इसका सॉल्वेंट। तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, कहीं पर भी कुछ मतलब बहुत वो नहीं है कि ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा और बहुत कॉस्टली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। नंबर लिखा है ना, वो कोल्ड साइड है, अरे हॉट साइड, तो हॉट साइड के ऊपर ही हम फिट कर देंगे। तो ये गीज़र मेरा अभी रेडी हो गया, इसके मैंने कनेक्शन भी कर दिए। ये इनलेट हो गया इसका, जो मैंने इधर पाइप में जोड़ दिया, ये इनलेट हो गया। और ये जो है ये आउटलेट हो गया, एमसील लगा दिया, कहीं से लीकेज नहीं है। जैसे ही मैं इधर से वॉल खोलेगा, इधर से पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा सिस्टम जो है, ये एडाप्टर 12 वोल्ट पे चलता है, ये 12 वोल्ट का एडाप्टर है, ठीक है। तो इसमें शॉक लगने का कहीं पर भी कोई चांसेस नहीं, क्योंकि ये 12 वोल्ट पे चलता है। तो मैं इसको चालू करता हूँ, और इसमें मैं अभी टेम्परेचर भी मेज़र कर सकता हूँ। मैंने ये चालू किया, तो अभी इसका टेम्परेचर देखिए कितना है, 28, ठीक है। डिग्री सेल्सियस अभी इसका टेम्परेचर है,
और अभी मैं इसका पेल्टियर अभी करंट चालू करता हूँ, तो फिर देखते हैं टेम्परेचर। अभी इसका 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अभी मैं इसमें पेल्टियर में करंट दूंगा और फिर हीटअप चालू होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अभी मैंने इसमें करंट नहीं दिया था, अभी खाली इसमें करंट दिया था, अभी ये पेल्टियर में करंट देता हूँ, ठीक है। ये पूरा करंट पेल्टियर ने खींच लिया, अभी इसके लिए मुझे 12 और दूसरा देना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये मीटर खराब हो गया एक्चुअली। अभी इसका ये जो टेम्परेचर मीटर है वो शायद वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से खराब हो गया, तो टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये देखिए ये शायद खराब हो गया, वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन हल्का हल्का गुनगुना पानी आ रहा है इसमें से, एकदम गर्म तो नहीं हो रहा लेकिन गुनगुना सा आ रहा है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से शायद इसका ये टेम्परेचर मीटर खराब हो गया। अदरवाइज मैं भी टेम्परेचर भी शो करता था, बट ये देखिए खराब हो गया इसको, तो एनीवे लेकिन ये गर्म हो रहा है, ये भी गर्म हो रहा है, और पानी जो है हल्का हल्का गर्म गुनगुना गुनगुना से गर्म पानी आ रहा है, तो मतलब एकदम गर्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, जो ठंडी के दिनों में एकदम पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, तो एटलीस्ट हमारा भी नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा गर्म आ रहा है। तो ये जो है ये हीटर जो है गीज़र हमारा काम कर रहा है, और ये 12 वोल्ट डीसी पे चल रहा है, इसलिए करंट लगने का कोई भी चांसेस नहीं है इसमें, क्योंकि 12 वोल्ट पे चल रहा है, एसी करंट अगर देंगे तो रिस्की हो जाता है, इसलिए इसको हम 12 वोल्ट पे चला रहे हैं, तो इसमें कोई करंट लगने का वो नहीं है। ये मीटर दूसरा लाने के बाद में टेम्परेचर मीटर फिर हम टेम्परेचर चेक करेंगे, फिलहाल तो ये ख़राब हो गया, और लेकिन गुनगुना सा गर्म हो रहा है पानी, एकदम गर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ठीक है, थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, लाइट बिल भी उतना आएगा नहीं इसमें, तो एटलीस्ट ये ठीक है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ये बहुत काम का है, ये बहुत सस्ते में बना है गीज़र। अगर आप ये मीटर नहीं लेते हैं तो ये आपको 200 से 300 रुपए में आपका गीज़र तैयार हो जाएगा, तो ये मीटर की ज़रूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैंने आपको टेम्परेचर चेक करने के लिए लगाया था, बट ये भी ख़राब हो गया, तो ये ना ले, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, खाली ये पेल्टियर ले लें, और ये जो है ये थोड़ा छोटा साइज का पाइप का लेकर के इस तरह से चिपका के जैसा मैंने बनाया वैसा बना लीजिए, और इसमें से गरम गरम गुनगुना पानी अपना आता रहेगा, और करंट लगने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि हम 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर डीसी से चला रहे हैं, इसको एसएमपीएस पावर सप्लाई से कभी ना चलाएं, क्योंकि एसएमपीएस पावर सप्लाई अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इधर करंट आने का चांसेस है, इसलिए ट्रांसफार्मर वाला डीसी से चलाएं, जिससे प्राइमरी सेकेंडरी जिसमें रहता है तो स्टेप डाउन हो जाता है, तो उससे आपको करंट लगने का कभी भी चांसेस नहीं रहेगा। तो ये गीज़र मेरा सक्सेसफुल है, थोड़ा गुनगुना पानी आ रहा है, एकदम ठंड गर्म पानी नहीं आ रहा है, लेकिन गुनगुना पानी आ रहा है, तो ठीक है। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत काम की चीज़ है ये ठंड के दिनों में, तो ठीक है, ये वीडियो मेरा सक्सेस हो गया है। टेम्परेचर मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि जस्ट मीटर अभी ख़राब हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, पावर सप्लाई भी है इसमें, तो पावर सप्लाई भी देखो, चेक कर लेते हैं पावर सप्लाई भी। पावर सप्लाई भी है इसमें, और तो इसमें मैं लगा देता हूँ अच्छे से,
तो गुनगुना गुनगुना सा गर्म पानी इसमें आ रहा है मुझे, तो ऑलमोस्ट ही मेरा गीजर रेडी हो गया।